Radio.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। बात करेंगे झारखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की। इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। आज उन्होंने झारखंड में कोरोना को लेकर नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। नए गाइडलाइन के मुताबिक अब झारखंड में सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही जितनी भी परीक्षाएं होनी थी उन्हें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा शादी समारोह में भी 50 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इससे पहले 200 मेहमानों के शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने यह फैसला किया कि अब सिर्फ 50 लोग ही इसमें शामिल हो पाएंगे। हालाँकि एक महीने के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। बता दें कि कल यानी शनिवार को ही इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सभी दलों के साथ हुई बैठक के बाद, सभी दलों से आए सुझाव के बाद आज यह फैसला लिया गया है। जिस तरीके से राज्य में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उस तरीके से यह फैसला आज लिया गया है। इसमें एक बार फिर से आपको बता दें कि किन किन चीज़ों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान, जिसमें कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, इन्हें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। नए गाइडलाइन के तहत ये बंद रहेंगे। इसके अलावा शादी समारोह में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये पहले 200 लोगों के शामिल होने की इसमें अनुमति थी। जिस तरीके से देश और झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इससे सरकारों की चिंता तवश ही बढ़ गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए हमारे पास कारगर उपाय भी है, क्योंकि उसे रोकने के लिए उपाय हमें भी अपनाने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क भी हमें पहनना होगा, क्योंकि इस बीमारी से निपटने के लिए, इस जैसी महामारी से निपटने के लिए तैयारी रातों रात नहीं हो सकती है। हमें भी इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। सरकार कोशिश कर रही है, हमें भी उस कोशिश में सरकार का साथ देना होगा। आप भी कोशिश कीजिए, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए, ये बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही हाथ में सैनिटाइजर लेना ना भूले, अपने साथ हमेशा उसे पास रखें। जब ज़रूरत हो तो अपने हाथ को सैनिटाइज अवश्य करें। याद रखिए, कोरोना जैसी महामारी को सिर्फ इच्छा शक्ति और गाइडलाइंस का पालन करके ही इस पर जीत हमें हासिल हो सकती है। तो सावधान रहिए और दूसरों को भी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहिए। इस अपडेट में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।